नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश कर रहा हूँ ऑक्सीपोड ड्रॉप्स का रिव्यू। ऑक्सीपोड ड्रॉप्स के यूजेस, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशन और डोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे अहम बात, इम्पोर्टेंट बात कि यह शेड्यूल H1 रखे, इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना खरीदे। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन खरीदना खतरे से खाली नहीं है। ये छोटे बच्चों के लिए फॉर पेडियाट्रिक यूज ओनली। इसे अनबॉक्स करते हैं। यह सिर्फ 10 ml का ड्रॉप है। इसमें ड्राइड पाउडर है, उबला हुआ पानी ठंडा करके आपको इसमें छोड़ना है, या इसके साथ आपको स्टरल वाटर भी मिलेगा जिसके सहारे आपको ऑक्सीपोड ड्रॉप्स तैयार करना है। यह सस्पेंशन है, आप देख लीजिए। यहाँ पे हर बार इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे हिलाकर बच्चों को देना है। टेस्ट और फ्लेवर दोनों एक्सेलेंट है, इसी कारण बच्चे से लेना बहुत पसंद करते हैं, जिससे दवाई का कोर्स पूरा होने में सहायता भी होती है। दोस्तों, अगर बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस हो तो इसका इस्तेमाल अवश्य करें। दोस्तों, निमोनिया का इलाज करने में भी कारगर है। सभी एक्सपर्ट डॉक्टर्स, पेडियाट्रिशियन इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, इसके साथ आपको उचित पैरास्टामोल का सिरप लेना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए। इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। दोस्तों, डोसेज के बारे में डॉक्टर और फार्मासिस्ट से आप पूछ सकते हैं। ओवरडोज से एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हो सकता है, या पेट में दर्द या मतली या डिजीनेस हो सकता है, इसलिए ये दवा एक्यूरेट अमाउंट में दें। दोस्तों, अगर आप एलर्जी को सेफोडॉक्सिम से तो इसका इस्तेमाल ना करें। ये बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, कॉस्ट सिर्फ 60 रुपीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।